वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैडम अभिषेक द्विवेदी और आप अपने चैनल टेक्नो अभिषेक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आपको नया प्लान आइडिया और वोडाफोन की तरफ से क्या प्रोवाइड हुआ। अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूजर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम आप देख रहे थे एयरटेल जियो ने भी अपने ऑफर्स निकाल कर दिए हैं कस्टमर्स के लिए, कि जिससे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एयरटेल ने 10 रुपये का टॉक टाइम प्रोवाइड किया है और जो इनकमिंग की वैलिडिटी थी उसको बढ़ा दिए। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक नया ऑफर लेकर आई है वोडाफोन आइडिया, और इस ऑफर के भी यहाँ पर आपको रिचार्ज भी नहीं करवाना है। अब तक जो भी ऑफर्स आते हैं, जैसे जियो ने कोई ऑफर दिया है तो उसने डेटा एक्सटेंड कर दिया, बट उसके लिए वो रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अगर आपका रिचार्ज एक्सपायर हो गया है तो नए रिचार्ज पर बेनिफिट देता है। लास्ट सेकंड जो था वो एयरटेल ने दिया था, एयरटेल ने 10 रुपीज का टॉक टाइम दिया था और इनकमिंग कॉल्स की जो फैसिलिटी थी उसको कंटिन्यू रखी थी। ठीक फ्रेंड्स, वैसे ही आज का वीडियो भी है वोडाफोन आइडिया के लिए, तो आई होप सो आप वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास सिम अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है फैमिली में है तो वो उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कोरोना के तहत आपने देखा है कि एयरटेल और जियो के साथ साथ वोडाफोन और आइडिया ने भी ऑफर प्रोवाइड किया है। वोडाफोन आइडिया ने अपने कम आय वाले यूजर्स को यह ऑफर दिया है ताकि वे इस बीमारी के वक्त में किसी परेशानी का सामना ना करें। यह बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ रही है। लॉकडाउन के साथ साथ में अगर आपका प्लान ख़त्म हो जाता है, देखिए कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन के दौरान जिसका प्लान ख़त्म हो जाएगा उसके प्लान की वैधता को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो 21 दिन का लॉकडाउन है या 1 तारीख से, जैसे ये न्यूज़ अभी अपडेट हुई है तो बिफोर, इसका पहले का तो मुझे अपडेट नहीं है, अगर आपका प्लान एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिकंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर अगर इन दिनों होता है या 1 अप्रैल से होता है, इस बीच में अगर आपका प्लान ख़त्म होता है तो 17 अप्रैल तक की इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो ये आपके लिए बहुत ग्रेट न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया ने बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला है और वोडाफोन आइडिया का ये ऑफर VL के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगा और इसका बेनिफिट करीबन 10 करोड़ यूजर्स के पास पहुंचा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला है कंपनी ने, तो आई होप सो आप भी इस ऑफर का पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे अगर आपके पास में एयरटेल आइडिया की सिम अवेलेबल है। रही बात मेरी, तो मेरे पास में सिम अवेलेबल है फ्रेंड्स, मैं तो इसका बेनिफिट उठाऊंगा। आई होप सो भी आप भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठा पाएं। अगर आपके पास सिम अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जिनके पास भी सिम से उन्हें दिक्कत नहीं है रिचार्ज करवाने की, अदरवाइज जो मैसेजेस रिसीव होते हैं उसके भी आप 35-48 का रिचार्ज करवा लेंगे, तो ये न्यूज़ अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनका वो पैसा भी बचेगा। फ्रेंड्स, तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये न्यूज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस न्यूज़ को शेयर करें अपने फ्रेंडों तक। अगर कुछ नया इससे बढ़िया अपडेट होता है तो बिल्कुल मैं आपको अपडेट दूंगा, अगर वोडाफोन आइडिया कुछ नया लेकर आते हैं तो। हालांकि कंपनी का एक ऐलान था कि फीचर फ़ोन पर 10 रुपये का टॉक टाइम दे रही थी, आने वाले में वो सभी ग्राहक को देगी। तो फ्रेंड्स, अभी ये फैसिलिटी नहीं है तो इसके लिए हम बात नहीं कर सकते हैं, मगर आपके पास में अगर वोडाफोन आइडिया की सिम है तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका प्लान ख़त्म हो रहा है तो उसकी वैलिडिटी 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।